देखो ऐसी फॉर्म मिल जाएगी आपको, शेविंग जेल होती है ठीक है, और आप लोगों ने करना है जिबली मार्केट से बहुत तरह। अब देखो ऐसे कोज हमारे को ये वाली चीज है, नीचे सपोर्ट लगाऊंगा और कुछ मैं ऐसे। सोहला रिवान क्या दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ एल में दाढ़ी सेटिंग को कैसे करते हैं। गाइस बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि साहिल भाई दाढ़ी सेटिंग जब भी करते हैं ना एल में यार बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ ना डिटेल में समझाओ यार ताकि हमारे को पूरा डिटेल में समझ आए। अगर गाइस आप भी सीखना चाहते हो तो भाई इस वाली वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज इस चैनल पर मिलती रहती है। चलो ओके गाइस, आज मैं ना आपको सीजर के साथ गुलाई नीचे देकर दिखाऊंगा क्योंकि इन चीजों में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आज आपको कुछ डिटेल में समझाऊंगा। देखो यार जेब वाली मेरे पास सीजर है, सीजर आपको ना थोड़ी सी गुलाई में घुमानी है क्योंकि देखो अगर आप सीधा लग जाते हो ना, अगर आप सीजर को घुमाते नहीं, आप अपने हाथ को नहीं घुमाते, फिर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। चलो आप लोगों ने क्या करना है, कस्टमर को ऐसे रखना, बालों को ऐसे झाड़ लेना ठीक है। जानने के बाद जेवल जो हड्डी होती है ना, हड्डी के ऊपर ही हमारे को रखना है क्योंकि ये भाई ऐसे ही रखवाते हैं। अगर आपका भी कस्टमर ऐसे रखवाता तो उसके हिसाब से आप लोगों ने काम करना है ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पर कट लगा रहा हूँ ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही लगाना है। देखो देखो डरा नहीं जाता ठीक है, डर के काम करोगे तो देखो डर पैदा होता रहेगा, आपका कोई फायदा नहीं है। हल्का कस्टमर को ऊपर करवाएंगे ठीक है, और इस वाली साइड पे भी ऐसे कुछ आपको निशान लगाना है। देखो जैसे मैं हाथ को ना पूरा गुलाई में घुमा रहा हूं क्योंकि मेरे को गुलाई करनी है। अब मैं आऊंगा इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे मैं क्या करूंगा, जेवल जो चीज है ना, देखो जेवल जो चीज है नीचे सपोर्ट लगाऊंगा और कुछ मैं ऐसे गुलाई करूंगा सीजर के साथ। देखो ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आपकी गुलाई नीचे से होगी। देखो गुलाई करने के बाद ही आप लोगों ने ब्लेड लगाना है, ऐसे बिना मतलब का भी ब्लेड मत लगाना क्योंकि दाढ़ी हमारे को नरम भी करनी पड़ती है ठीक है। अब देखो मैंने निशान लगा लिया, मैं सामने से करके देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं है। अब करेंगे हम लोग एक नंबर छोटा दाढ़ी को, तो उसके बाद हम लोग करेंगे नरम। अब क्या देखो हम लोग साइड पे एक नंबर लगाएंगे, पहले ना मुछ को बचाना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी मुछ भी कटी जा सकती है। आप लोगों ने क्या करना है, एक नंबर ले लेना ठीक है, एक नंबर आराम से चलाना है आप लोगों ने ऐसे करके ठीक है। और देखो हमने कुछ नहीं रखना, जो ये वाली ठोड़ी रखते हैं ना हमारे को, ये भारी रखते हैं, इस भाई को ये वाली नहीं चाहिए ठीक है। देखो मैं आंखों के ऊपर भी हाथ रखा हूं, इसलिए रखूंगा ताकि बाल आंखों के बीच में ना जाए ठीक है। थोड़ा सा ना आपको भी थोड़ा ध्यान से ऐसे ही काम करना है। देखो आइस के ऊपर आप लोग ने हाथ जरूर रखना है। देखो अब लग चुकी है ठीक है, अब हम करेंगे नरम, हल्का हल्का झाड़ देना ठीक है। हल्का गाइस इस साइड में ना ट्रिमर के साथ निशान लगा देना पहले ठीक है, आप वहां पर भी लगा सकते हो जितना भी आप रखना चाहते हो, पहले ऐसे निशान लगा लो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आप डायरेक्टर नहीं बना सकते क्योंकि मैं तो बना लूंगा क्योंकि मेरे को तो बहुत साल हो गए यार काम करते हुए ना, मेरे को तो एक्सपीरियंस है इस चीज का। अगर आपको अगर आप नए नए सीख रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो ठीक है। देखो साइड पे भी ऐसे, और जे वाली जो चीज होती है हल्का हल्का ऐसे लगा सकते हो ठीक है। क्या देखो ऐसी फॉर्म मिल जाएगी आपको, शेविंग जेल होती है ठीक है, और आप लोगों ने करना है जिबली मार्केट से, बहुत तरह की होती है यार, आप लोग हर एक तरीके से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत कंपनी आती है। ठीक है ये जल्दी नरम कर देती है गाइस, और दोनों साइड में मैं ऐसे लगाऊंगा और इस साइड में भी ऐसे लगाऊंगा। आप इसको छोड़ देंगे, इसको आप लोगों ने साफ नहीं करना, हल्का टिश्यू से आप लोगों ने ऐसे डिप डिप करके साफ करना है ठीक है, हल्का हल्का टिश्यू से ऐसे साफ करना आप लोगों ने ठीक है। और उस तरह को बड़े ध्यान से चलाना है। देखो पहली बात तो ना, अगर आपकी दाढ़ी ज़्यादा टाइट है तो आप लोगों ने क्या करना, बढ़िया ब्लेड यूज़ करना है, 365 भी आते हैं और भी बहुत कंपनी कहते हैं, क्योंकि मैं बढ़िया यूज़ करता हूँ क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होते। आप लोगों ना लोकल वाले यूज़ करोगे तो फिर उसमें देखो आपकी सफाई नहीं आएगी, बाल छूटेंगे, और दूसरी बात तो ना देखो ब्लेड बार बार ख़राब ही होना है, कहने का मतलब ठीक है। दाढ़ी को अच्छी तरह से पहले नरम करो, नरम करना भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी ये नहीं है कि भाई आप ब्लेड अच्छा ले लोगे तो भाई नरम नहीं करोगे, नरम भी ज़रूरी है और ब्लेड भी अच्छा ज़रूरी है ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या करना है, ब्लेड डालूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लेड को कैसे डालना है। एक बार साइड पे तोड़ना पड़ता है हमारे को, ये प्रोफेशनल होते हैं उस तरह।
अलग अलग गैस हमारे को मुझ पेपर लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर हम लोग सीधा लगाएंगे ना, कई भाइयों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि सैल भाई यहाँ पर लग जाता है, कट लगता है। देखो आप गलत तरीके से यूज करोगे तो फिर तो कई देखो प्रॉब्लम आएगी आएगी। आप लोगों ने क्या करना, ऐसे रख के उसको तुरंत आप लोगों ने ऐसे टेपर में कर लेना, उसके बाद साइड पे आएंगे, इस साइड में घुमाएंगे और मुझको ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद हल्का टेपर में रखेंगे ऊपर भी, उसके बाद साइड पे हमारे को ऐसे लगाना है, ठीक है। जितने भी आप पार्ट घूमोगे ना उतने पार्ट पे आप लोगों ने क्या करना, मास्क को खींच के रखना है। जहां पर ढीला होगा तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है हमारे को खत को थोड़ा चौड़ा रखना है, क्योंकि कई बंदे पतला भी करवाते हैं, कई बंदे चौड़ा भी रखवाते हैं, कस्टमर के ऊपर होता है, क्योंकि हम लोगों ने कस्टमर की मर्जी चलानी है, अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलानी, ठीक है। कहने का मतलब नाराज नहीं होना जी आपका कस्टमर, ठीक है। अब देखो ऐसे कुछ हमारे को करना, ठीक है। देखो मुझको ऊपर कर लेना, ठीक है। हल्का जीभ लगाना अंदर से, ऐसे लगाना जैसे मेरे कस्टमर को बोला ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर आप सीधा लगाओगे ना डायरेक्ट, देखो फिर ब्लेड लगता है। कस्टमर को बोलना कभी अंदर से जीभ लगा लो, ठीक है। हमने क्या करना है, जे वाला जो पार्ट होगा ना ऊपर उठा के रखना गाइस, और जे वाला साथ में लगा के रखना। अगर इस वाले पार्ट पे आओगे तो जे वाले नोक चलानी, नोक भी बड़े ध्यान से चलानी है, ये तो भाई आपका ब्लेड लगेगा। और जे वाले पार्ट में मैं क्या करूँगा, जे वाले नीचे लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको ऐसे गुलाई करूँगा, गुलाई बड़े ध्यान से करनी है। देखो एक एक बाल आप लोगों ने ऐसे निकालना है, तभी आपकी गुलाई दिखेगी, नहीं नहीं तो नहीं, ठीक है। और इस साइड में लगाना, ठीक है। जैसे इस भाई को मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई इस साइड में लगाओ, सेम चीज़ आप लोगों ने भी ऐसे करना है। ठीक है, देखो अब दोनों साइड पे ना हमारे को ब्रोबर रखना है। अब देखो जे वाली छोटी है तो भाई मैं इसको क्या करूंगा, हल्का सा बड़ा करूंगा इसको, इस साइड में पकड़ के हल्के जो बाल होंगे ना एक्स्ट्रा, इस साइड में ऐसे निकाल देना आप लोगों ने। ठीक है गाइस, अब लगाएंगे हम लोग नीचे, नीचे बड़ा ध्यान से लगाना भाई। उल्टी दाढ़ी को पहचानना सीख लो भाई, थोड़ा सा ध्यान पे रख के काम करना, क्योंकि जो उल्टी दाढ़ी होती है ना फिर बाद में जलन बहुत करती है यार। देखो जहां पर हमारे को निशान लगाया था ना हमने, वहां पर गाइस हम लोगों को ब्लेड चलाना है। देखो मास्क को ऐसे घीना, टेपर में रखा जाता हमेशा गाइस, टेपर में रखना ब्लेड को, ठीक है। और इस साइड में भी करेंगे ऐसे, कस्टमर को ऐसे करवाना है, ठीक है। और मास्क को ऐसे खींच लेना आप ऊपर, उसके बाद ऐसे कर लेना, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे को दिक्कत आई भाई, मैं हल्का हल्का उसको गुलाई में लेके आऊंगा नीचे से। देखो ध्यान से करना यार, मैं कहना कहने का मतलब, ठीक है। यहां पर भी देखो अब ना मेरी गुलाई में देखेगी, देखो ठीक है। ऐसे कुछ हमारे को काम करना होता है। तो जेवल चीज होगी ना साइड पे, हम लोगों को सेम चीज करनी है, साइड पे गाइस ऐसे कुछ ना आपको ब्लेड लगाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, और इस वाली साइड पे कैसे है, इस साइड इसके बीच में हल्का सा बीच में जेवल जो चीज है ना इसके हल्का से नीचे है, उसके हिसाब से गाइस हमारे को रखनी है। मैं करूंगा ऐसे गाइस, कुछ ब्लेड लगाऊंगा, ठीक है। पहले ना सफाई दे लिया करो, ऐसे गाइस आपको कुछ ना एक बार में पता नहीं कितनी बार ब्लेड लगाना, ठीक है, क्योंकि वो सफाई आ जाती है आपकी। ये गाइस ऐसे कुछ हमारे को दाढ़ी सेटिंग करनी है। अब गाइस करेंगे हम लोग मूछ सेटिंग, उसको जा लेना, ठीक है। जैसे भी आपका कस्टमर बोलेगा कि भाई इतने चाहिए मेरे को, पहले ना हम लोग जब भी मान लो जब भी गाइस जे वाली मूछ ना आगे लंबी रखनी होगी ना कस्टमर को, तो आपको खुद ही बोल देगा आप लोगों ने उसको काटना कैसे है। अगर काटना भी होगा तो ऐसे करके ना अपनी तरफ ऐसे खींचना, हल्के से ऐसे कट कर देना, ठीक है। और उसके बाद जे वाली चीज होती है लेंथ, यहाँ से आपको ऐसे
कैंची को डालना है, उसको हल्का ऐसे कट कर देना है। अब देखो साइड वाले बाल जो अगर बड़े होंगे तो ठीक है, दोनों साइड पे बरोबर करना है आप लोगों ने, बरोबर देख लो कैसे करना है, ऐसे पकड़ के और ऐसे कट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फिर ऐसे चेक करना, देखो ऐसे करके ना फिर चेक कर लेना, ये बड़े छोटे नहीं है, ये बड़ी हल्की सी बड़ी लग रही है, ठीक है। लो जी गाइस ऐसे कुछ हमारे को करना, बाकी इन लोगों को ऐसे ही रखनी है। लो जी गाइस आप देख सकते हो ऐसे कुछ हमारे को एल शेप में दाढ़ी सेटिंग करना होता है। उम्मीद है आप लोग को पता लग गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग बहुत ही अच्छी बियर्ड बना पाओगे अब, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, देखो स्टार्टिंग में सफाई नहीं आएगी, ये बात आपको कहना चाहता, ब्लेड अच्छा यूज़ करो, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसे कुछ हमारे को दोनों साइड पे ऐसे बनानी होती है, ठीक है। उम्मीद है ये वाली वीडियो बहुत अच्छी आपको लगी होगी, अगर अच्छी लगी बस लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करना, आपको अच्छे अच्छे नॉलेज इस चैनल पर मिलते रहते हैं। जब तक नहीं अगली वीडियो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।